बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूज। आज बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम संजीदा होम कुकिंग में आपसे मुखातिब हैं। आज रमज़ान की प्रिपरेशन आज से मैं शुरू कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाती रहूँगी वक्फे वक्फे से कि मैं क्या क्या बना के फ्रीज कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैंने मसूर की दाल का पकौड़ा बनाना आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ मसूर की दाल का पकौड़ा। उसके लिए मैं ये 2 घंटा पहले दाल को भिगो दिया था, तो ये 2 घंटे से भिगोया हुआ है। इसको मैं अभी पीसूंगी और फिर इसके लिए फिर मैं पकौड़े जो बनाऊंगी उसके लिए मैंने प्याज काटी है और ये चॉप हरा धनिया है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, ये धनिया है, ये ज़ीरा है, नमक है और ये कुटी हुई मिर्चें हैं। ये मैं इसमें डालूंगी पीस के। अभी मैं आपको इसको पीस के बताती हूँ कि कैसे पीसना है। ये देखें मैंने पीस लिया है इनको सारों को, और अब देखें मैं इसको फ्रीज करूँगी। फ्रीज़ करने के लिए मुझे ये जो थैलियाँ आती हैं, एक तो जिप लॉक शॉपर भी आते हैं और मेरे पास ये अभी ये दूध की थैली होती है ना उस किस्म की, ये वो है। मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। देखें आप उतने हिसाब से रखें जितना आपको एक वक्त में चाहिए होगा, क्योंकि फिर बार बार ये फ्रीज़ होके ना फिर आपको बहुत मुश्किल होगी रमज़ान में। आप उतने ही फ्रीज़ करें जितना आपके घर में ना रिक्वायरमेंट है कि इतना एक दफ़ा में बन जाएगा, तो उस हिसाब से आप फ्रीज़ कर दें। और इस तरह से, और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है ये फ्रीज़, ऐसे ऐसे करके फ्रीज़र में मैं रख दूँगी। अब ये देखें मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसको बाकी बाद में वो करूँगी, मैं पहले पकौड़ा बना लूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे और हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं पकौड़े का, तो मैं पहले इन्हें पकौड़े बना के दे दूँ। देखें इसमें मैंने आपको बताया था ना कि नमक, ज़ीरा, ये धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और हरी मिर्च, ये सब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये सब चीज़ कोई इसमें वो नहीं है, आप लोगों को सब माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन मेरे व्यूज़ हैं, सबको बनाने आता है पकोड़े। ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ इसलिए मैं आपको, मैंने सोचा चलो मैं बना रही हूँ तो आप लोग से भी शेयर कर लूँ। ये धनिया और प्याज, इसमें प्याज ज़्यादा जाता है क्योंकि ये एक तरह से ना प्याजू कहलाता है, मसूर की दाल का प्याजू। ये देखें अच्छी तरह से, ये मेरा बर्तन भी छोटा हो गया है, मैं ज़रा दूसरा बर्तन ले लूँ। चले मैंने प्याला चेंज कर लिया, वो मुझे प्याला छोटा पड़ गया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें प्याज को। मुझे ये ना रमज़ान में बहुत ही अच्छा लगता है, बेसन के पकोड़े से भी ज़्यादा ना मुझे बहुत पसंद है ये दाल का पकोड़ा। इसको पकोड़े कहें, प्याजू कहें, जो भी आप नाम दे दें। इसमें मसाले अपने हिसाब से डाल लें, जितना आपका बैटर होगा ना उस हिसाब से आप इसमें मसाले डाल लें। मैंने तेल भी चढ़ा दिया है। अब देखें मैं इसको फ्राई करके बताती हूँ। ज़रा सा हल्की आँच करके इसमें डालूँगी, फिर आँच को मैं तेज़ कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे पीस बनाए ज़्यादा अच्छा रहता है, और इसको इतना प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही रफली आप इसको डाल दें। और जितना तेल है ना उस हिसाब से बस एकदम भर के नहीं डालिएगा, ताकि फिर वो तेल ठंडा हो जाता है तो फिर वो नरम हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। एक वक्त में इतना काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फौरन नहीं हिलाइएगा, थोड़ा सा इसको सेट होने दें, वरना आप अभी वो करेंगे ना तो सारे दाल जो है बिगड़ जाएंगे, तो लिहाजा इसको सेट होने दें
दो मिनट, तो फिर इसको हम मिक्स करेंगे। मैं इंशाल्लाह आइंदा भी जो है ना, जैसे भी मसाले जाते हैं, जैसे चाट मसाला होता है, फिर दही बड़े के मसाले हैं, दही बड़ों के पकौड़े भी मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। आज से तो मेरा शुरू हो गया है रमज़ान का प्रिपरेशन, तो आज मैंने पकौड़े बनाए हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप इसी तरह बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाते भी होंगे, लेकिन बस मैं अपने घर वालों के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा आपके लिए भी, आपसे भी शेयर कर, शायद कुछ डिफरेंट हो। आप इसको ज़रूर देखिएगा, और देखने के बाद लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को। ठीक है, वैसे मैं बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल में एक दो महीने के बाद आपसे मुखातिब हूँ। कुछ थे बच्चों के पेपर का, जो मेरा बेटा बनाता है वीडियो, तो वो ज़रा इम्तिहान तो हुए नहीं, आप लोग को मालूम है कोरोना की वजह से। अल्लाह फजल करे सबके ऊपर, सबको महफूज रखे, ये रमज़ान में बहुत दुआओं की ज़रूरत है। हम पहले से इसलिए प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, कि ताकि नमाज दुआ ये सब में जो है ना टाइम भी देना होता है, इसलिए मैं पहले से ही हर चीज़ प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि उस टाइम पे असर से लेके मगरिब तक काफ़ी मतलब दुआ का कबूलियत का टाइम होता है। देखें अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, देखें अब ये टूट भी नहीं रहे, अगर मैं पहले इसको मिक्स करने लग जाती ना तो बिगड़ जाते, टूट जाते। तो बस ये हल्का गोल्डन हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ 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 इस रमज़ान में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें और दुआओं में टाइम गुजारें। कोशिश करें कि नमाज भी आप लोग घर पे ही मर्द लोग पढ़ ले तो अच्छा है। देखें ये हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है, तो बस मैं निकाल लूँगी, ज़्यादा गोल्डन करूँगी ना तो बहुत क्रिस्पी सा हो जाएगा और बहुत एक चिप्स की तरह से हो जाएगा। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ, ये इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसी तरह छोटी छोटी मैं वीडियो जो है ना, मैं इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी, अब इसलिए कि अभी रमज़ान भी है और मेरा बेटा फारिग है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब इसको अच्छी तरह से इसके तेल जो है मैं वो कर लूँगी, और देखें आवाज़ देखें इस क्रिस्पी सा हो रहा है। अब देखें इसमें मैं ज़रा सा कोई सा भी आप मसाला छिड़क दें, इस वक्त मेरे पास फ्राइज के का मसाला है तो वो मैंने डाल, और इसको मैं अभी देखें तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें कैसे अंदर से बिल्कुल पक गया है, कोई वो नहीं है, तेल भी नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगी और मुझे कमेंट्स में मुझे बताएंगी भी कि कैसा लगा आप लोगों को। इजाज़त चाहूँगी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बस अब तो ज़्यादा टाइम भी रमज़ान का नहीं रहा है, अब तो बहुत ही जल्दी जल्दी मुझे हर चीज़ बनाना है, तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अरे वाह।